अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। भाई गली का हाल कोई बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो आई थिंक कोई जो है ना सरदार तो आ रहे हैं यहाँ पे, और उसके अलावा जो थोड़ा गली को साफ़ कर रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ पे भी पानी है, और इस तरह से थोड़ा जो ना रास्ता भी बराबर कर रहे हैं। देखें उस तरह से थोड़ा बराबर हो गया, यहाँ से थोड़ा वाइपर लगाया, रास्ता बराबर हो गया। जो मेहमान आएंगे उनको यहाँ पर बिठाएंगे यहाँ पर सामने वाले घर में। को तो पता है कि गली का हाल कैसा बना हुआ है। कोई बारिशों का सिलसिला जब से स्टार्ट हुआ है ना, मैं तो वीडियोस बनाता हुआ आता हूँ कि भाई गली का ये हाल है, अगेन ये हाल है। देखें पूरी गली ख़राब है हमारे घर तक, देखिए पूरा पूरी गली ख़राब है। ये सामने मेरे दादा जान खड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं। अभी ये जो ऊपर ताज बना है ये बिल्कुल जो ना जे के ऊपर, ये यहाँ पे जे और उसके ऊपर ये एक क्रॉन बना रहे हैं जो बादशाहों के सर के ऊपर होती है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है दूर से भी। ये देखिए अभी मैं ऐसे पूछता हूँ कि इसको बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगा है, कब से ये शुरू हुआ है? खैर भाई कितना टाइम लगा है? सुबह से शुरू हूँ, कभी काम कर रहा हूँ कभी नहीं। क्यों छोड़ के क्यों जा रहे हो आधे में? दिल नहीं कर रहा। अच्छा ट्यूशन पे भी गए थे ना आज? आज छुट्टी थी। छुट्टी थी आज, आज संडे है ना? संडे है। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी तक इसका और भी काम रहता है पता नहीं, ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है इसके ऊपर जे के ऊपर। देखें वो तो काम वहाँ पे हो रहा है पेंटिंग वाला है, लेकिन दूसरा भी काम हो रहा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे हमारे आ रहे हैं आई थिंक, जैसे हम बिठाएंगे वॉन्टिंग के लिए, जो यानी आई थिंक कोई MNA। इस तरफ जो गली का काम था वो थोड़ा सा फाइनल हो गया, लेकिन अभी इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको थोड़ी हवा लगे ताकि ये पूरा जो है ये वाला एरिया खुश्क हो जाए। बाकी उस तरफ जो जब कुर्सियाँ आएँगी वो कुर्सियाँ लगाएंगे, वो भी आप सबको दिखाऊँगा, लेकिन इस तरफ जो है अभी तक काम चल रहा है। ये भाई जी अभी तक बना रहे हैं, जब इसका कोई फाइनल जो आ जाएगा ना एक अच्छा सा सबको वो भी दिखाऊँगा, लेकिन अभी तक जो है ना इसका काम चल रहा है। देखिए जब ये फाइनल हो गया तो इंशाल्लाह फिर वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। जब तक जो है मेरे कज़न वाले आ जाएँ, जब तक पार्टी शुरू हो जाए, हल्की सी पार्टी, कोई ज़्यादा पार्टी नहीं है। बाकी माशाल्लाह लगे हुए हैं भाई, मुझे तो लगता है भाई अच्छा बनेगा। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा भी लग रहा है। चलें जी फिलहाल के लिए तो मैं यहीं ब्लॉग को अभी एंड कर रहा हूँ जब तक वो सारे आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना फिर मैं आप सबको इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगा जब आएँगे, किसके मीर जफरुल्लाह खान जमाली के जो है ना बेटे आएंगे मीर उमर खान, उसके बाद मैं आप सबको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरी नकल कर रही है, मेरी तरफ लोग बना रहे हैं, इसको मैं मारूंगा। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। ये सारे मेरे सब्सक्राइबर थे ना, बहुत मज़ा होता है यकीन जाने, देखे कितने ज़्यादा रश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कुर्सियाँ वगैरह लग गई, मैं घर आया था किसी काम से, लाइटिंग का सिस्टम भी सारा मुकम्मल हो गया, वो जो आने 8 बजे आने, अभी मैं जा रहा हूँ उसी जगह पर जहाँ पे वो लोग आने हैं। चले मैं आप सबको वो अभी कंडीशन दिखाता हूँ कि कैसे हो गई है। फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच तो गया हूँ, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा अंदर जो है ना डर लग रहा है, क्योंकि मेरे दादा जान भी बैठे हैं और बाकी सब भी बैठे। अभी तक मेरे उमर खान जमाली नहीं है, लेकिन जो है ना मेरे दादा वाले सब बैठे हुए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे नहीं वीडियो बनाऊँ, दादा थोड़ा जो है ना गुस्से की टाइप के, तो ऐसे भी मुझे डांट दे, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं बात नहीं करूँ, मैं सिर्फ आप सबको दिखाता हूँ सेटिंग। गली वो है जहाँ पे हम वाइपर वगैरह लगा रहे थे, वहाँ पे जो हमने वो रास्ता बनाया, तो ऊपर से लाइट भी लगा दिए और इस तरह से भी हमने लाइट लगा दी। बाकी ये देखिए रास्ता हमने बना दिए, अब बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन थोड़ी सी जो ना कीचड़ है, पानी है, तो बार बार इस तरफ आ रहा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये मेरे दादा सामने, दादा को पता नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंतज़ार करने के बाद, कोई 2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद उनकी गाड़ी कोई अब आ रही, कंफर्म नहीं है लेकिन दूर से लग रही कि उनकी गाड़ी है, अब वो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मीर उमर खान जमाली जिंदाबाद, खान जाफराबाद जिंदाबाद। ठंडक क्यों?
इंतजार करने के बाद अभी वो आएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था। इन जाने मुझे तो लगा भी नहीं था कि वो खुद आएंगे, वज़ीर आज़म की बेटी होके यहाँ पे आएँ और इस रास्ते से गुजार के आएँ। यकीन जाने ना मुझे एक इतना ज़रा बराबर भी यकीन नहीं था कि वो खुद आएंगे इस गली में और हमारा जो है ना इन्वाइट जो उनको किया है वो एक्सेप्ट करेंगे। मैं तो ये बिल्कुल मैंने ये सोचा भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए और मेरे दादा उनके सामने हमारी गली के मसाइल बता रहे हैं, पूरी डेरा लगा के मसाइल बता रहे हैं कि हम यहाँ पर कैसे गुजारा करें जब ज़्यादा बारिश में यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी आ जाता है। पेड़ से लेके जो मैं इंतज़ार कर रहा था ना वो इंतज़ार मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि अबू मुझे बार बार कॉल करेंगे आप आ जाओ। मैंने अबू को कहा कि ये जब आएंगे तो मैं फिर बाद में आऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गए। अब मैं जाऊँ खाना खाने। जो हमें टाइम दिया था कोई 8:30 के आने का, लेकिन अब जो है ना 10:30 हो रहे हैं, बहुत देर के बाद है। कोई नहीं, उन लोग वो आए तो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि बड़े आदमी तो उनको बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि वो आ गए। द नेक्स्ट डे जी आपने तो ये व्लॉग देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंतज़ार करने के बाद, बहुत टाइम के बाद जो है ना उन लोगों ने हमें तो टाइम दिया था कोई 8:30 का, लेकिन वो आ गए 10 बजे, लेकिन कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी हुई कि वो आ तो गए। एक वज़ीर आज़म के बेटे हो के उन लोगों ने हमारा इनविटेशन क्या बोलते हैं कबूल किया, एक्सेप्ट किया और हमारे पास आ गए। माशाल्लाह मेरे दादा जान उनके सामने हमारी गली के मसाइल रख दिए कि हमारे ये मसाइल हैं, तो उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि कोई टेंशन नहीं लेनी, आप भी जमा लियो हम भी जमा लिए, तो इंशाल्लाह आपका वोट तो वैसे भी हमने तो वोट उनको दे दिया है, लेकिन इंशाल्लाह अभी जल्द हमारी गली का काम शुरू होने वाला है। बल्कि हमारी गली का यहाँ पर इशू हमारी गली का नहीं है, जो इशू चल रहा है ना पूरे डेरा लायार का, क्योंकि भाई अगर हम अपनी गली बनवाते हैं तो हमें तो सहूलत हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी गलियाँ हैं ना हमारी गलियों से उनका बदतर हाल है। तो मेरे दादा जाने का कि ये सिर्फ हमारी गली का मसला नहीं है, पूरे डेरा लायार का मसला है। कहा इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना ये जाफराबाद पूरा चेंज हो जाएगा, बस अल्लाह से दुआ करते हैं इंशाल्लाह हो जाए। जी आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस दुनिया और जान की तमाम तर खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह पाक मेरे आपके बल्कि इस पूरी दुनिया के मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, और इन्हीं दुआओं के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।